डॉक्टर शंकर डाका, सीनियर कंसल्टेंट एट डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इन मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। आज हम पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली एवरी ईयर के नवंबर मंथ को पैनक्रियाटिक कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है और उसमें 17th नवंबर को पैनक्रियाटिक कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। पैनक्रियाज बेसिकली, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज या हिंदी में अग्नाशय भी बोलते हैं, ये एक अमाशय के पीछे एक लीफ लाइक ऑर्गन होता है जो नॉर्मली डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, जो अपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साथ में पैनक्रियाज से एक इंसुलिन नाम का हार्मोन भी रिलीज होता है जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करता है। पैनक्रियाटिक कैंसर जो काफ़ी कॉमनली हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, उसके कुछ सर्टेन रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे ओल्ड एज है, मेल जेंडर है, क्रॉनिकली अल्कोहल यूज है, एक्सेसिव स्मोकिंग है, क्रॉनिकली टोबैको यूज है, एंड कई बार लॉन्ग स्टैंडिंग अल्कोहल यूज की वजह से पैनक्रियाज सिकुड़ जाता है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। वो भी एक पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पैनक्रियाज। और इन फ्यू पेशेंट देर इज ऑल्सो फैमिली हिस्ट्री ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर। सर्टेन जेनेटिक रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ जीन लेवल पे म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से उनमें पैनक्रियाटिक कैंसर की रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से काफ़ी बढ़ जाता है। दीज आर द कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर द पैनक्रियाटिक कैंसर। देन अब बात करते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस कैसे हो पैनक्रियाटिक कैंसर का। तो कुछ सर्टेन सिम्टम होते हैं जिनके बेसिस पे हम पैनक्रियाटिक कैंसर सस्पेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको डायग्नोस करते हैं। जैसे पेन एब्डोमन एक प्रमुख सिम्टम है, स्पेशली अपर एब्डोमन में ऊपर वाले पेट में दर्द होता है, जो दर्द पीछे बैक की तरफ भी जाता है। साथ में हो सकता है कि भूख नहीं लग रही हो मरीज को, वजन कम हो रहा हो, उल्टी जैसा लग रहा हो, और कई बार जब पैनक्रियाज के हेड में जो ट्यूमर होता है उसकी वजह से पित्त की नली में रुकावट होने लग जाती है, पित्त की नली में बाहर से दबाव हो जाता है, उसकी वजह से पित्त की नली बंद हो जाती है, उसकी वजह से मरीज को पीलिया होने लग जाता है, जॉन्डिस होने लग जाता है, खुजली होने लग जाती है, सफ़ेद कलर की लेटरिंग होने लग जाती है। और ये दीज आर द कॉमन सिम्टम। अगर जब भी ये लगे तो हम पैनक्रियाटिक कैंसर सस्पेक्ट करते हैं, और जो उसके डायग्नोसिस करने का तरीका होता है उसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ इमेजिंग मेथड होती है। जो ब्लड टेस्ट की मैं बात करूँ तो जैसे CBC LFT कॉमन है, जिसमें हम पीलिया का लेवल देखते हैं। और इमेजिंग में जो सबसे इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड एब्डोमन, USG एब्डोमन, जिसमें हम एग्जैक्ट देखते हैं कि पैनक्रियाज में कोई गांठ तो नहीं है, पैनक्रियाज में कोई सिकुड़न तो नहीं है, पैनक्रियाज में कोई स्टोन तो नहीं है, उसकी वजह से पित्त की नली में कोई रुकावट तो नहीं हो रही है, लीवर के अंदर कोई पैनक्रियाज से कोई गांठ तो नहीं आ गई है। तो वो सारा स्क्रीनिंग टेस्ट सोनोग्राफी से करते हैं। और कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जैसे LFT के अलावा एक होता है अपना पैनक्रियाटिक कैंसर मार्कर होता है, ट्यूमर मार्कर CA-199.9, जो पैनक्रियाटिक कैंसर में काफ़ी बढ़ जाता है। जो एग्जैक्ट स्टेजिंग है पैनक्रियाटिक कैंसर की, पैनक्रियाटिक कैंसर कौन सी स्टेज में है, कितना बड़ा ट्यूमर है, आसपास की नसों को तो नहीं जकड़ रखा है, पेट में पानी तो नहीं आ रखा है, और कैंसर अपना लीवर में या दूर कहीं डिस्टेंट मेटास्टेसिस तो नहीं हो रहा है, वो अपना क्लियर होता है स्पेशल तरह के CT स्कैन से। सो उससे अपन एग्जैक्ट स्टेजिंग देखते हैं। 5-10% में कई बार CT भी कर लिया, सोनोग्राफी भी कर ली, ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, उसके बाद में भी कई बार क्लियर नहीं होता है कि ये पैनक्रियाज में सोजन है या पैनक्रियाज में कैंसर है। तो उसके लिए जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC या बायोप्सी, उसमें हम अंदर पूरा स्टोमक में जा करके पैनक्रियाज के जो ट्यूमर जैसा सस्पेक्टेड एरिया लग रहा है वहाँ से FNAC करते हैं या बायोप्सी करते हैं, उससे वो कन्फर्म होता है। अब मैं रिस्क फैक्टर की बात की, हमने सिम्टम की बात की, तो ट्रीटमेंट पे जाएं तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपका पैनक्रियाटिक कैंसर कौन सी स्टेज में डायग्नोसिस हो रहा है। अगर पैनक्रियाटिक कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो रहा है तो उसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है वो सर्जरी, विपल सर्जरी बोलते हैं, जिसको सर्जरी काफ़ी बड़ी होती है, उसमें अपन पैनक्रियाज का भी पार्ट निकालते हैं, पित्त की नली का भी पार्ट निकालते हैं, गॉल ब्लैडर भी निकलता है और छोटी आंत भी निकलता है, लेकिन वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर पैनक्रियाटिक कैंसर अपना एडवांस स्टेज में डायग्नोसिस होता है, जैसे डिस्टेंट मेटास्टेसिस भी हो रहा है, पानी भी आ रखा है, आसपास की वेसल्स को भी जकड़ रखा है कैंसर ने, तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट में पहले हम
अगर उस कैंसर की वजह से पीलिया हो रहा है तो एंडोस्कोपी के द्वारा पित्त की नली में स्टेंट डाल करके पहले पीलिया को कम करते हैं, और एक बार पीलिया कम हो जाता है तो फिर उसकी अकॉर्डिंगली कीमोथेरेपी चलती है एज ए पैलिएटिव ट्रीटमेंट टू प्रोलोंग द लाइफ ऑफ द पेशेंट्स। सो मैं इस पैनक्रेटिक कैंसर डे पे जो स्पेशल मैसेज देना चाहूँगा वो ये है कि पैनक्रेटिक कैंसर का एक तो रिस्क फैक्टर को अवॉइड करो, अल्कोहल को अवॉइड करो, स्मोकिंग अवॉइड करो, और साथ में अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। थैंक यू।